नमस्कार। चलिए आज हम बनाते हैं बथुआ का रायता और बथुआ का पराठा। मैंने यहाँ आधा किलो बथुआ लिया है, उसको अच्छे से साफ करके धो ली हूँ और महीन बारीक काट ली हूँ। इसको देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। अब एक बर्तन में पैन में इसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में बथुआ बॉयल हो जाता है। बॉयल होने के बाद देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको किसी मैशर से मैश कर देंगे। हमें इसको पेस्ट नहीं बनाना है। और मैं यहाँ दही भी फेंट के रखी हूँ। अब उसमें भुना हुआ जीरा, धनिया और मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बथुए को इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे इसको, दही के साथ मिक्स हो जाए। आप चाहें तो यहाँ इसको तड़का भी दे सकते हैं, मैं तड़का नहीं दे रही हूँ। अब बथुए का पराठा का तैयारी कर ले रहे हैं। बथुए को मैंने बारीक काट लिया है धो के। उसके बाद अब तेल गरम करेंगे पैन में या कढ़ाई में। उसमें जीरा डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इसको 1 से 2 सेकंड भुनने के बाद इसमें कटे हुए बथुए को डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे। बथुआ 2 से 3 मिनट में पक जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बथुआ पक चुका है। अब आटा लगा लेते हैं पराठे के लिए। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है, उसमें अजवाइन डाला है क्रश करके और सील के ऊपर मैंने बथुआ को पीसा है। आप चाहे तो मिक्सी में इसको पीस के और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लें आटा का। अब एक लोई लेंगे और उसको रोटी की तरह बेल देंगे और उसमें तेल लगा देंगे 1 चम्मच और इसको मोड़ देंगे। फिर ऊपरी भागों में तेल लगा देंगे और इसको मोड़ देंगे। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक बार ऐसे पराठे ट्राई करके देखिएगा। मैं यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितने भी साग के डिशेज हैं उसमें अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। घी और रिफाइंड के से भी ज़्यादा टेस्ट सरसों तेल में आता है। तवा गरम करेंगे और पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। जब तक एक पराठा पक रहा है तब तक दूसरा तैयारी कर लेंगे। दूसरे तरफ से पलट के और इसमें वापस तेल लगा देंगे। ये पराठे सेक चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक एक करके मैंने सारे पराठों को तैयार कर लिया है। बथियों को बारीक काट के आटा में मिक्स करके भी इसका पराठा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह से एक बार पराठे और रायता का रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ओम शांति।